अब यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है और किस तरह से हम उसको उसमें बुलेट पॉइंट्स और ये सारी चीजें ऐड करते हैं। मैं शुरू से ही करता हूँ अब इसको। अच्छा, ये बेसिकली ये मेरे पास बिल्कुल नया अकाउंट है जो मेरे पास आया। ये मैं आपको इसके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स कैसे होती हैं। ये मेन सेलर सेंट्रल अकाउंट है, इस तरह से ये लिखा होता है। अगर आप ये देखें तो ये यूके बेस्ड अकाउंट है। बेसिकली ये मेरे क्लाइंट का है और इसमें यूके बेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाकी भी कंट्रीज मिल रही हैं। इसमें आप इस यूके बेस्ड जो सेलर अकाउंट है उस पे आप काम स्वीडन में भी कर सकते हैं, नीदरलैंड में भी कर सकते हैं, जर्मनी में भी कर सकते हैं, फ्रांस में भी कर सकते हैं, यूके, स्पेन, इटली, ये सारे आपको मार्केट्स मिलती हैं। ओके, हम यहाँ पे कैटलॉग है, मेन इन्वेंटरी है, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टीजमेंट करनी है, पीपीसी वगैरह वो यहाँ पे करनी है, स्टोर चेक करना है, ग्रोथ उसकी चेक करनी है, डिफरेंट रिपोर्ट्स निकालनी है, फिर अकाउंट की हेल्थ चेक करनी है कि वो कैसी जा रही है, फिर हम डिफरेंट हमारे पास बाकी सर्विसेज। तो मेन हमारा जो काम होता है हम उसके ऊपर वापस आते हैं। मेन हमारा इन्वेंट्री करना और प्रोडक्ट को ऐड करना आज हम करने जा रहे हैं। आप प्रोडक्ट को ऐड करने पे प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये वाली नई विंडो आ गई। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर तो मैं मीटू करने लगा हूं, इसी के साथ चिपकने लगा हूं, या फिर होलसेल एफबीए करने लगा हूं, तो मैं यहाँ पे उसका एसेंट डालूंगा और क्लिक करूंगा और उसके साथ चिपक जाऊंगा। अगर तो मैं नई प्रोडक्ट लगने लगा हूँ, पीएल करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब पीएल करने के बाद वो मुझसे पूछता है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्टोपस प्लशेस मैं करना चाह रहा हूँ। अब ऑक्टोपस प्लश चेक करना, एक तो उसका तरीका है कि मुझे पता हो कि वो बेबी प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट के अंदर मैं ढूंढूंगा उसको, यहाँ पे जहां पे भी हो मैं उसको ढूंढूंगा, या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि मैं ऊपर यहीं पे ब्राउज कर लेता हूं। तो वो मैंने उसको लिखा ऑक्टोपस प्लश, उसने कहा कि ये टॉयज एंड गेम्स में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर टॉयज एंड गेम्स मेन में सॉफ्ट टॉयज में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट में गिफ्ट कीपसेकर्स में सॉफ्ट टॉयज में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसको प्लीज नोट डाउन जरूर करना। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो गेटेड हैं एक खास किस्म के कैटेगरी के अंदर, और वही प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी में अनगेट पड़ी होती है। जिस तरह से हमारा अभी एक स्टूडेंट ने एक प्रोडक्ट निकाला था जो सॉफ्ट बॉल था, जिसको हाथ में रखकर दुबाते हैं, अब वो वाले उस तरह के जो आइटम्स हैं रिहैबिलिटेशन के हवाले से या फिर आपके फिजियोथेरेपी के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो कुछ कैटेगरीज में वो गेटेड पड़ी होंगी, कुछ में वो नॉन गेटेड पड़ी होंगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसको, और जिसमें वो अनगेट हो आप उसमें जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा सा आपके ये चोर रास्ता भी होता है कि आप किसी और कैटेगरी में जाकर उसको ऐड कर सकते हो, या फिर अदर में जाकर ऐड करके उसको अपलोड कर सकते हो। ओके, मैं इसको टॉयज एंड गेम्स में कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगली विंडो पे आ गया। अब वो मेरे से कहता है कि भाई क्या क्या मामला आता है, क्या क्या करना है। ओके, मैं इसको एडवांस रिव्यू, चलो ऐसा करता हूँ पहले इसको नॉर्मल में देख लेते हैं। नॉर्मल में ये अपलोड हो जाता है, लेकिन अगर एडवांस करते हैं तो इन डिटेल थोड़ी सी इन डेप्थ चीजें आती हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे आती हैं। ओके, अब हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हम टाइटल डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा इसी का ये मेन टाइटल है, ये हमारा मेन टाइटल है फॉर एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, इधर हमने इसको पेस्ट कर लिया। और इसका जो पहला, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो पहला वर्ड है वो हमेशा आपका ब्रांड नेम होता है। मैं इसको लिख देता हूँ AMZ Solutions, ठीक है, ये मेन इसका टाइटल हो गया, यही मेरा ब्रांड नेम है और यही मेरा मैन्युफैक्चर है। ओके, अब यहां पर आ गया आपका मेन चीज, थोड़ी सी अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यहां पे मैं एंटर करूंगा यूपीसी, जैसे ही मैंने 8 figures का यूपीसी डाला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसका यूपीसी कोड है, ये मेरा ब्रांड नेम है, ये यूपीसी है, ऐसा नहीं है ईएन नंबर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ईएन नंबर यूरोप में यूज होता है, मेरा डायरेक्ट यूपीसी है। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो मुझे एक एसएन मिल जाएगा इस यूपीसी के अगेंस्ट। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रोडक्ट मैंने ऐड किया तो मैं उसमें प्रोडक्ट ऐड करते हुए उसमें यूपीसी डालूंगा, यूपीसी डालने के बाद और सारी डिटेल्स डालने के बाद जब मैं उसको सेव एंड फिनिश करूंगा तो उस यूपीसी के अगेंस्ट मुझे एक एसएन जनरेट होगा और वो मुझे मिल जाएगा। और ये उसके, जैसे हमने आपको बताया था कि ये जैसे ये एसएन है, अब ये एसएन इसको लाइफ टाइम उसको मिल गया ये एसएन, और किसके अगेंस्ट मिला, जब इसने प्रोडक्ट ऐड करने लगा था तो उसने यूपीसी ऐड किया था और उस यूपीसी के अगेंस्ट ये मिला। एक दफा अगर एक यूपीसी आप इस्तेमाल कर देते हैं तो वो दोबारा यूज नहीं होता, आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज हैं तो हर कैटेगरी का अलग यूपीसी होगा, ये इंपॉर्टेंट बात कि हर कैटेगरी का अलग यूपीसी होगा। कैटेगरी चाहे कैटेगरी कह ले, वेरिएशन कह ले, चाहे वो वेरिएशन कलर की वेरिएशन है, चाहे वो साइज की वेरिएशन है, जैसी भी वेरिएशन है उसका अलग से यूपीसी होगा। उसका मैं एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि आपने पहले ही प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करने जा रहे हैं तो वेरिएशन में नहीं पढ़ना, सीधा सीधा प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है वो वेरिएशन कलर की वेरिएशन है, मैं कहता हूँ एक मेरा ब्लू है, एक मेरा ब्लैक है, एक रेड भी है। ओके, मैंने यहां पे उसको कलर ऐड करके ऐड वेरिएशन कर दिया, यहां पे नीचे मेरे पास ये तीनों आ गए। अच्छा, प्रोडक्ट मैंने ऐड किया यूपीसी पर, उसके अगेंस्ट मुझे मिल गया एसएन। अब अपने लिस्टिंग के लिए मैं यहां पर आसानी रखने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लू, यहां पे लिखता हूं BL1। ये मैंने अपना SKU बना दिया कि कल को मैं प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी चीज लगाऊंगा तो वो मुझे इसके वो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के ऊपर या उस प्रोडक्ट की किसी वेरिएशन के ऊपर मैं PPC चलाता हूँ और जब मुझे वो शीट जो है वो देगा तो वो मुझे कोड वर्ड पे देगा, तो कोड वर्ड मैं अपने हिसाब से रख लूं ताकि मुझे कल को पता हो कि इस कोड वर्ड के ऊपर मैंने PPC चलाई थी तो उसका क्या रिजल्ट आया था, तो वो आखिर में असल में वो प्रोडक्ट है क्या, वो कौन सी वेरिएशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे SKU लिख लेता हूँ, ये हमारी लिस्टिंग में लिखा होता है जब हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं। रेड का कोड वर्ड RD कर देते हैं, RD1, BLA1 और ये BL। यहाँ पे प्रोडक्ट ID यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से उसको UPC ऐड कर देते हैं। अब देख रहे हैं ये अलग अलग UPC है, प्रोडक्ट ID मेन वही आपका मेन टाइटल आपका आ गया। यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन में आप उसको लिख देते हो कि ये न्यू है, आप सोल्ड नहीं, आप कोई भी यूज्ड नहीं बेच रहे, आप उसको न्यू ही बेच रहे हैं। ये आ गया, अब आप यहाँ पे प्राइस कर लेते हो, क्वांटिटी अब करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप रहने दें।
क्वांटिटी करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप कर रहे हैं होलसेल एफबीए। आपने एक दफा अपनी लिस्टिंग बना दी, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जो है वो वेयर हाउस में एंटर होगी, वो उसको स्कैन करेंगे और साथ ही आपकी इन्वेंट्री को यहाँ पे क्वांटिटी वो खुद लिख देंगे कि ब्लू इतनी पीसेस थे, 100 पीसेस ब्लू थे, 200 पीसेस ये थे, 300 पीसेस ये थे, वो खुद गिनकर खुद ही लिख देते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो यहाँ पे आपने करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जो करने की जरूरत है वो आपका प्रोडक्ट आईडी है, यूपीसी है, आपकी ये डिटेल्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। ऑफर में फॉर एग्जाम्पल एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो, अगर एफबीए कर रहे हो तो एफबीए पे क्लिक कर दोगे, अगर एफबीएम कर रहे हो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है तो मर्चेंट पे क्लिक कर देंगे। अगर तो आप यहाँ पे मर्चेंट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपने यहाँ पे आपने पीछे यहाँ पे क्वांटिटी को आप लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि फुलफिलमेंट में मर्चेंट है, ये स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, उनके पास नहीं है तो उनको नहीं पता कि कितना का स्टॉक है, तो इसलिए आपने क्वांटिटी आपको खुद लिखनी है। और अगर आप अमेजोन पे बेच रहे हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, फिर आप मैक्सिमम काम वो खुद ही कर देगा। यहाँ पे मेन इमेजेस आ गई, यहाँ पे आप बारी बारी इमेजेस अपलोड करते हो, अगर वीडियो है तो वीडियो अपलोड कर देते हो, तो आपके पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं। एक दफा मैं आपको एडवांस रिव्यू भी दिखा दूं। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनानी, वो आप पहले बनाकर रखते हैं और यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देते हैं। नीचे आ गए आपके की फीचर्स, वो यहाँ पे आप की फीचर्स अपने लिखते हो, पहले फीचर में ये ऐसा है वैसा है, दूसरे में ये इस तरह से है, तीसरे में बेनिफिट, चौथे में इन ऑल दैट, ये सारा कुछ आप लिख देते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लीगल कोई भी ऐसा काम आप कर नहीं रहे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है नहीं कि जो इलीगल हो या फिर कोई उसका मसला हो, या फिर आग आग आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, या फिर कोई फायर से हवाले से कोई ऐसी प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर जा नहीं रहे कि हमें ये लिखना पड़े, तो हम की फीचर्स लिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में बात की थी बैकलिंक्स के हवाले से, तो वो सारे कीवर्ड्स जो बच गए हैं वो उठाकर आपने यहाँ पे लिख देने, सारे के सारे आप सर्च इंजन में यहाँ पे आप डाल दें, मेरा जो भी आपका बच गया था, जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप नहीं डाल सके, वो आप उठाकर इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिखने के बाद मोर डिटेल्स, फिर मैं बताऊंगा कि मोर डिटेल्स में अगर तो आपका एफपी है तो ये खुद ब खुद वो अपलोड कर देता है। मेन आपको कुछ करनी पड़ती है जिसमें शिपमेंट का वेट है, आपकी पर प्रोडक्ट का आपका वेट कितना है, और यहाँ पे आगे आगे आएगी डायमेंशन। ये प्रोडक्ट की डायमेंशन कि ये लेंथ इतनी, इतनी वेट, इतनी हाइट, और ये किस में, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किस में, आप कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 1.5 इसकी विड्थ है, और हाइट इसकी 1.7 है, ये आप मेन लिखते हो एंड दैट्स इट। और इसको आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी, इसकी जो है वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, लिस्टिंग तैयार हो जाएगी इसकी, और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे अपलोड होगी तो वो आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। फिर बता रहा हूँ, जैसे ये आप देख लें, ये आपका मेन टाइटल, उसके बाद ये वो मेन इंफॉर्मेशन जो आपने उसकी डिटेल में लिखी थी, ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन 15x14x10 इंचीज है और इसका वेट इतना है, कलर इसका ये है, ये उसके उसकी की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जो आपने लिखे, यहाँ पे आगे नीचे इसके डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो HTML पे डिस्क्रिप्शन नहीं बना सकते तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको सजेशन ये कहूंगा कि जो जितनी इंफॉर्मेशन है, ये देखें उसने कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये मैंने लेदर से आपके लिए पहले से खोल के रखा हुआ था। ये देखें, वेलकम टू, ये गुड्स हो गए, कॉपीराइट्स उसको मिला हुआ है, सेलिंग पॉइंट्स उसके, ये पॉइंट्स उसने लिखे हैं, स्पेसिफिकेशंस उसने लिख दी हैं, और नीचे आए, यानी उसने काफी डिटेल अपनी यहाँ पे
यूटिलाइज किया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे, तो ये एक अच्छा जेस्चर है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जितना हो सकता है